Irfan, how would you like to be remembered? If you can leave a legacy. I don't want to be remembered. Yeah? No. I just want to know where, what will, what's going to happen after I'm gone, after you leave your body. What's, if I can feel that for a moment, that will be my, you know, my worthy being alive. I don't want to be remembered any which way. You know. Well, I hope that moment doesn't come for a long time. Yes, thank you very much. Thank you so much. रमजान का पाक महीना चल रहा था. उस दिन पांचवा रोजा था. तारीख थी 29 अप्रैल 2020. सुबह सहरी की तैयारी की जा रही थी. उसी वक्त मोबाइल पर एक मैसेज देखकर दिल टूट गया और दिमाग सुन हो गया. मैसेज में लिखा था, मशहूर अदाकार इरफान नहीं रहे. खुदा हाफिज़. उसी वक्त मस्जिद से फजर की अजान गूंज उठी. बेशक अल्लाह बहुत बड़ा है, वही जिदाता है और वही अपने पास बुलाता है. लिबास का फिक्र नहीं, फिक्र का लिबास नहीं. काम जरूरत नहीं, जरूरत काम नहीं. ख्वाहिशों के कंधों पर तहजीब का बोझ भी नहीं. जहां जुनून और सुकून में कोई फर्क नहीं. आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए, अंधेरे की लगाम थामे खलाओं से पता पूछते हुए. आओ सन्नाटे पर पांव रखते हुए, अंधेरे की लगाम थामे खलाओं से पता पूछते हुए. ठीक से जरा पहले सच के पास, एहसास के किनारे, जिंदगी के मोड़ पर आखिरी घर मेरा है. हवाएं अपनी रवानी से चल रही थी. सूरज भी पूरी तबोताप से निकल रहा था. परिंदों की आवाज में वही मिठास थी. सब कुछ तो वैसा ही था. फिर इरफान कैसे चला गया, इस बात को दिल मानने को तैयार नहीं था. इरफान के मायने होते हैं काबिलियत, ज्ञान वाला. यकीनन इरफान अपने नाम के मुताबिक उम्र भर वैसा ही काम करते रहे. यही वजह है कि वर्ल्ड थिएटर और सिनेमा ने इरफान को वो इज्जत बख्शी जिसके वो हकदार थे. वो मासूम बच्चा जिसका बचपन राजस्थान के टोंक में गुजरा, फिर जयपुर में परवरिश पाके एनएसजी दिल्ली से वो तालीम हासिल की जिसके लिए उसका जन्म हुआ था. 3 करोड़ भारी लग रहा है ना, अभी देखना कितना हल्का लगेगा. याद कर डॉक्टर, जब पहली बार नर्स ने तेरी बच्ची को तेरी गोद में लिया था. याद कर जब पहली बार उसने आंख खोलकर तुझे देखा था. याद कर जब तूने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था. वो गिरने लगी थी और तूने उसे संभाला था. याद कर जब पहली बार उसने अपने मुंह से तुझे बोला था, पापा अब तो पोइट्री सुनाती होगी ना, अब इतनी प्यारी बच्ची को मैं तेरे सामने बर्फ का टुकड़ा बना के डाल दूंगा. तो ये मोमेंट भारी पड़ेगा कि 3 खोके. ओके डॉक्टर, तेरी डेडलाइन खत्म होने में वक्त बहुत कम रह गया है. यू मूव फास्ट. एनएसजी में ही इरफान ने खुद को और अभिनय की बारीकियों को समझा. जहां खाली वक्त में दूसरे स्टूडेंट्स घूमने फिरने जाते तो इरफान कुछ न कुछ पढ़ता रहता, और वक्त मिलता तो अपने कंधे पर झोला टांग कर निकल जाता अपने ख्वाबों की दुनिया को तलाशने. इरफान की इसी मासूमियत पर उनकी बैचमेट शुत्पा उनको पसंद करने लगी, और इरफान को शुत्पा की सादगी और काबिलियत ने अपनी तरफ आकर्षित किया. बाद में 1995 में दोनों ने शादी की. बहुत सारी लड़कियां पीछे थी लेकिन ये मेरे पीछे थे. पढ़ते थे तो मैं समर वेकेशन में थिएटर वर्कशॉप लेने गई थी, एंड ही केम टू ड्रॉप मी इन द रेलवे स्टेशन. ही हैड रिटन अ लेटर टू मी आफ्टर दैट, जिसमें उन्होंने तस्वीर बनाई थी कि उनको नजर से वो ट्रेन जाती हुई नजर आ रही थी तो कैसी लग रही थी. ड्रॉन द ट्रेन. सो ही हैज डन वेरी क्यूट थिंग्स, नॉट द अनयूजुअल क्यूट.
He doesn't remember my birthday. He's never said happy birthday on my birthday. But he's done very, very, very touching things. Actually, but ek bar mera chappal toot gayi thi. And ye apna itne wo ho gaye ki actually itne us desperation mein bolte wo bhag rahe hain joota unke haath mein. Main nange hi pahunch gaya in barefoot. Aur inke haath mein chappal thi. Inko baad mein khayal hai ki ek chappal to pehen ke ja sakte hain. उन दौरान मतलब इनको पटाने के चक्कर में था, इनको पता ही था कि बाद में नहीं उठाने वाला मैं। एनएसजी के दौरान इरफान ने कई प्ले किए जिनमें एडिपस रेक्स, पूर्व भंगम, एक्सेट ऑफ फुजियामा खास रहे। फाइनल ईयर में स्टूडेंट प्रोडक्शन के तहत इरफान ने 3 बेहतरीन प्ले किए, एक वश, मोटोकार और डम्ब वेटर। मोटोकार के दौरान मीरा नायर ने इरफान की अदाकारी को सराहते हुए उन्हें पहला ब्रेक दिया सलाम बॉम्बे में। माँ का नाम बोल, पता बोल। गांव विजयपुर, नदी किनारे, बोलाबाई दुकान के पास, कृष्णा की माँ सुंदरी को मिलने गए। ये पता है? हाँ। अरे तेरे हाँ बोलने चिट्ठी पहुँचेगी क्या? विजयपुर, 20 विजयपुर है हिंदुस्तान में, कौन सा विजयपुर ये तो बोल। बेंगलुरु के पास वाला चलेगा, बेंगलुरु के पास वाला विजयपुर। पता नहीं कहां कहां से आते हैं, कला स्टाम्प भी फोकट में जाएगा। सलाम बॉम्बे के जरिए इरफान ने कला नगरी मुंबई को सलाम किया और फिर शुरू हुआ स्ट्रगल का दौर, सीरियल दर सीरियल, जिनमें चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात और भारत एक खोज शामिल रहे। इरफान की बात बनी साल 2001 में, जब उन्हें इंटरनेशनल फेम मिला फिल्म द वॉरियर से, जिसे डायरेक्ट किया ब्रिटिश फिल्म मेकर आसिफ कपाडिया ने। इसके बाद इरफान ने अपनी अदाकारी और नेचुरल एक्टिंग के जरिए दुनिया भर में नाम कमाना शुरू कर दिया। 2003 में आई हासिल और 2004 में फिल्म मकबूल ने इरफान को इतना मकबूल कर दिया कि फिर कभी इरफान की जिंदगी में अंधेरा नहीं हुआ। इरफान ने कमर्शियल सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग से लोगों को खासा मुतासिर किया। सामने तो आओ, चलिए छुप छुप चलने में क्या राज है, छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। उरूज को इरफान ने छुआ पांच सिंह तोमर के जरिए, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया। साल 2011 में इरफान पद्मश्री से सम्मानित किए गए। यह हैं इरफान को याद करते हुए उनके दोस्त और फिल्म डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया। मैं तो इरफान को हमेशा एक खुश मजाक इस तरह का था, वो खुश, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, आउटडोर में शूटिंग करने का उसकी इच्छा, पतंगबाजी, खाना, जो इतनी सारी यादें हैं, मैं तो उसको उसी रूप में याद करना चाहूंगा। और उसको बहुत हिदायत भी बहुत देता था, बताता भी था ये सही नहीं है, ये गलत है, ये इन चीजों पर अमल करने की कोशिश करूंगा। इवॉल्व आदमी था, एक इवॉल्व आपको बंदा मिलता है, अगर एक्टर मिले या कैसे भी, तो वो समझदार होता है, थोड़ा वाइज होता है। इरफान वो था, इसलिए वो कैरेक्टर को और सिचुएशन को सिर्फ स्क्रिप्ट से ऊपर उठ के समझता था। और हमने बहुत बड़ा कलाकार खोया, दशकों में ऐसा कलाकार आता है। हम दोनों जिंदगी को शायद एक ही चश्मे से देखते थे, हम लोगों के रेफरेंसेज बहुत कॉमन थे, ज्यादा सवाल तो नहीं। बस मैं वो मेरा दोस्त था, मेरा सिर्फ एक्टर दोस्त नहीं था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था। 34 साल की दोस्ती थी हमारी, 1986 से हम लोग दोस्त थे। तो एक बार बता दूं, इरफान जैसा एक्टर इसे हिंदुस्तान में अभी पैदा होगा कल तो मुझे पता नहीं, अभी तो नहीं है, तो ये छोटा मोटा लॉस नहीं है। इसके टाइप का एक ही था, वो फर्मा टूट गया। बेचारा कहां जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है,
जश्न ये रास ना आए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। इस बीच इरफान की इंटरनेशनल फिल्म्स आती रहीं, जिसकी वजह से इस नायाब सितारे की रोशनी सारे जहान में फैलती रही, जिनमें द नेमसेक, लाइफ ऑफ पाय, स्लमडॉग मिलेनियर, जुरासिक वर्ल्ड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, नो बेड ऑफ रोजेस शामिल हैं। द अमेजिंग स्पाइडरमैन के डायरेक्टर मार्क वेब ने इरफान को कुछ इस तरह से याद किया। You find importance in Hollywood is it's an interesting thing. I think a lot of directors have really started to take notice of him and are looking for roles for Irfan because he's got such a wonderful reputation and there was a show he did here called In Treatment and you really got to see his wonderful abilities, and I think whether it's Danny Boyle or Ang Lee, really very strong directors are starting to take notice and have taken notice of this wonderful star who comes from a land that's some view as exotic and far away from us. But we realize with actors like Irfan, how close. Irfan zindagi bhar ek saada dil insaan rahe. Tabiyat se sharmile aur emotional Irfan आसमान की बुलंदी पर रहने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे। इरफान की फिल्में महज दिल बहलाने का सामान नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली रहीं। मुश्किल से मुश्किल किरदार को भी आसानी से लोगों के सामने पेश करने के हुनर ने ही इरफान को अमर कर दिया। मैं जब एनएसडी में एडमिशन हो गया था तो हमारे परिवार में फिल्में देखने नहीं दी जाती थी, तो 10th का एग्जाम जब मैं देने गया तो हमें टाइम मिल जाता था बहुत सारा, तो मैं सीधा थिएटर पहुंचने लगा। तो इस तरह से मेरा फिल्मों से इंट्रोडक्शन हुआ। एंड जब मेरा एनएसडी में एडमिशन हो गया तब मेरी माँ ने मुझे हाथ पकड़ के एक दिन उसको बोला था कि बेटा तू अब ये नाचने गाने में काम करेगा जिंदगी भर, टोल है कि आप प्लीज मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं नाचने गाने के अलावा भी कुछ करूंगा जो आपको अच्छा लगे। ये देखने में जितना आसान लगता है दरअसल है उतना ही कठिन। इरफान मूडी भी बहुत थे। एक बार तो उन्होंने केतन मेहता को ना कह दिया। केतन मेहता अपनी फिल्म माया मैम साहब के लिए इरफान को साइन करना चाहते थे, लेकिन इरफान ने मना कर दिया। दोस्तों ने बहुत समझाया लेकिन इरफान ने कहा नहीं, मेरा मन नहीं। इरफान ने फिल्म छोड़ दी। ऐसा कई बार हुआ। मुझे लगता है कि आपकी खुद की जिम्मेदारी अपने लिए बहुत जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना बहुत जरूरी है। आप जब बेसिक चीजें दूसरे लोगों पर छोड़ देते हैं कि वो आपको बताएं कि क्या सही क्या गलत है, तो आप इसलिए पैदा नहीं हुए। आप पैदा इसलिए हुए हैं कि आप खुद तलाशें, खुद ढूंढें, खुद समझें अपने एक्सपीरियंस से। आपको आप तभी जिंदा होते हैं। इरफान का मानना था कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी जरूरी है। यही वजह है कि कई फिल्मों में जो बहुत कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन इरफान ने अपनी अदाकारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपको फिल्म पसंद आए या ना आए, आप इरफान की एक्टिंग को नापसंद नहीं कर सकते। अक्सर आदमी जोश में होश खो बैठता है, ये बात इड़ा भूल गया। तुम लोग याद रखना, मेरे भाई की मौत का मातम पठानवाड़ी से पुलिस कॉलोनी तक जरूर पहुंचेगा, ये वादा करता हूं। एनएसजी के फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स एक महीने के लिए इम्फाल गए हुए थे। मौका था रीजनल डायरेक्टर के डायरेक्शन में काम करने का। प्ले का नाम था शाकुंतलम, जिसमें इरफान को एक्ट करना था, लेकिन इरफान ने मना कर दिया। बात वही, उसका दिल नहीं किया। दोस्तों ने एक बार फिर से बहुत समझाया कि कर लो। इरफान ने कहा, ये मेरे किस्म का नहीं, इससे मुझे कुछ हासिल नहीं होगा,
चाहे तो मुझे कहीं कोरस में खड़ा कर दो, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और इरफान ने नहीं किया। एक किस्सा और याद आ रहा है। एक बार बुक पब्लिशर ने इरफान को फोन करके उस पे बुक लिखने की बात कही। इरफान ने हाँ कह दी। बाद में पब्लिशर ने एक बंदे को इरफान से मिलने भेजा। उससे मिलने के बाद इरफान ने पब्लिशर को बुक के लिए मना कर दिया। दरअसल इरफान का कहना था, कोई ऐसे कैसे आप पर किताब लिख सकता है, ये तो दिल की बात होती है। जो आपको जानता नहीं वो आप पे किताब किस तरह लिख सकता है। लिहाजा इरफान ने मना कर दिया। एक बार तो यूं होगा, थोड़ा सा सुकून होगा, न दिल में कशक होगी न सर में जुनून। दिल्ली में एक बार एक होटल में इरफान फोटोग्राफर को अलग अलग मूड्स में पोज दे रहा था। तभी अचानक फोटोग्राफर ने कहा, माँ। इरफान रुक गया, टेबल पर से एक गुलाब का फूल उठाया, अपने चेहरे पर लगाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब लीजिए फोटोग्राफ। यह इरफान को याद करते हुए मशहूर एक्ट्रेस शबनाज भी। I remember many years ago he worked with Pankaj Kapoor and me in a film called Ek Doctor Ki Maut, and then several decades later he worked with me in Jazba. And here was an actor and a man who had developed a high degree of confidence in being his own voice and not being anybody else's shadow. He had been successful in creating a niche for himself, because he had the ability, like Balraj Sahni, to speak the most inane lives and yet inhabit the character in a completely credible way. Few people have had the kind of trajectory that he has had, moving from parallel cinema into mainstream cinema and then into Hollywood. The thing is that he is gone too soon, because he was in his element right now. You know, the success had made him more confident. His aura was increasing and everything was going perfect for him. I met him in London. He was with Shubha, his wife, and his son, and he was getting better. And he was very optimistic, because like he says, if life gives you lemons, it's up to you to make lemonade. And it was his optimism that made me believe that he is going to, you know, come out of this. It's deeply, deeply, deeply sad, because he had so much going for him. There was so much work that he could have given us. I mean, look at the ease with which he does a Lunchbox, a Parting Tomar, Namesake, Jazba. In Jazba, he doesn't look like he's out of place, because he is able to give that character the Hindi film swagger and yet not make it awkward. Irfan ne apne walid se sikha ki zindagi ko ghabra ke nahi jiya ja sakta aur maut se dara nahi jata. वहीं अपनी माँ सईदा बेगम से उन्होंने डिसिप्लिन सीखा। सईदा बेगम उनकी माँ उनके बेहद करीब रहीं। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि इरफान के इंतकाल से महज 4 दिन पहले उनकी माँ ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। इरफान को चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इरफान ने उन सबको अपने काम के जरिए अपना दोस्त बना लिया। यह मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी याद करते हुए। जब आया मुंबई में तो आते ही मुझे थैंक गॉड मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि इरफान भाई का साथ मुझे मिला उस वक्त पे, और वो बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे मुझे, और काफी उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया, बहुत सारी फिल्मों में रिकमेंडेशन करते थे वो भी, और काफी आई थिंक 10-12 साल तक उनके साथ रहने का मौका मिला था मुझे, तो काफी कुछ सीखने का ये कुछ जानने का मौका मिला था उनके बारे में। इरफान भाई की खास बात थी कि वो इतना ईज था उनकी परफॉर्मेंस में, और इतना पोएटिक परफॉर्मेंस होती थी उनकी डायलॉग के लिए भी, बहुत ही लाइक क्योंकि कमांड था उनका लैंग्वेज में, तो वो जो उनका ह्यूमर, अनप्रेडिक्टेबल ह्यूमर जो था परफॉर्मेंस में भी होता था। और अब याद कर रहे हैं मशहूर और मारूफ एक्टर नसीरुद्दीन शाह। When I first saw him perform, and he had a very long struggle
playing very tiny parts before he gained any kind of recognition. But I don't remember seeing him in any of those television things that he did. But he did a small part in a film I did many years ago called Private Detective, made by Rajat Kapoor, and he had a very small part in it. But he just looked completely real. And then I saw him in The Warrior, and I really found myself saying to myself that I wish I'd been this good when I was this age. And I'm really not being modest, but he just burst out of the screen. He had the smell of the earth. He looked authentic. And he did not at any point look as if he was straining. His technique is absolutely invisible. That is, I think, the greatest thing about Irfan. You never felt that he's trying too hard. And too many actors have been guilty of that, including myself. There are actors who don't believe in rehearsal and so on. I don't think Irfan was one of them because I didn't work with him too much. But I'm sure he was very well, he was absolutely ready. When he arrived to work, he was absolutely ready, and that readiness takes a lot of effort. यहाँ ये कहने से गुरेज नहीं किया जा सकता कि लोगों को इरफान की फिल्मों और अदाकारी से इश्क हो गया था. खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता. खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता. इरफान के चाहने वालों ने उसकी हर फिल्म को, उसकी हर अदाकारी को पसंद किया है, चाहे वो हासिल हो, मकबूल हो, हिंदी मीडियम हो, या फिर इरफान की आखिरी फिल्म इंग्लिश मीडियम. बेशक इरफान आज हमारे साथ नहीं, आज वो मुंबई के वर्सोवा कब्रिस्तान में मीठी नींद सो रहा है, लेकिन इरफान की याद, इरफान का काम हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा. दिस इज नॉट एन ईजी जर्नी, आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट एंड पार्ट ऑफ इट, बट आई हैव टू क्रिएट माई ओन पाथ. And when you have to create your own path, it's a difficult task. I'm not trying to walk on a path which has already been made. So whatever it is, if it's about moving a mountain, we will move a mountain. Whatever comes, you know, we'll enjoy this journey and try to give you entertainment and try to redefine entertainment as much as we could, as much as we can. खुदा की मर्जी और तकदीर के आगे आज तक किसी की नहीं चली और न कभी चलेगी. इरफान की जिंदगी बस इतनी ही थी, लेकिन इरफान का पैगाम हमेशा के लिए है. रिकॉलिंग यू नो योर फादर ऑफन, सो वन डे आई वाज जस्ट वंडरिंग अबाउट व्हेन ही डाइड, आई वाज वंडरिंग अबाउट दैट डे, एंड आई स्टिल रिमेम्बर द काइंड ऑफ ईज ही हैड. ही वाज नॉट अ वेरी aged person. He was like 54 when he died. He knew that, you know, if he didn't take care, or if he didn't go to the doctor, he might die. And I still remember the whole day how he conducted himself. He was very easy with it. He chose, due to circumstances, he chose that, you know, there's no point now to continue this. Let's go. So with the kind of ease he had, and I have a kind of, you know, when you talk about fear, I had this insecurity of death from my childhood. I never used to comprehend how this thing, which is, you know, alive, which is reacting to everything, it will be gone. So this thing was always there with me. And somewhere, recollecting about him and my own insecurity about death, it has made me feel easier about death. It's a kind of seeking which continues with me from my childhood, to know this phenomena of death. जिस्मानी तौर पर बेशक इरफान हमारे साथ नहीं, लेकिन इरफान का काम, इरफान का नाम और इरफान की पाकीजा शख्सियत हमेशा हमारे साथ रहेगी, क्योंकि वो बस इरफान था, इरफान और कुछ नहीं.
मेहरबान, मैं आज आपके साथ हूं भी और नहीं भी। इरफान,